इंडिया वर्सेस श्रीलंका तीसरा ओडीआई मुकाबला, जो भी ये मुकाबला जीतेगा, अगर श्रीलंका ये मुकाबला जीत जाती है तो श्रीलंका सीरीज जीत जाएगी, और वहीं अगर इंडिया इस मुकाबले को जीत जाती है तो सीरीज जो है वो टाई हो जाएगा, क्योंकि पहला जो मुकाबला है वो श्रीलंका ने टाई करा था, दूसरा मुकाबला श्रीलंका जीत चुकी है, और तीसरा ओडीआई मुकाबले के लिए सब लोग काफ़ी ज़्यादा बेकरार है, क्योंकि एक समय जहाँ लग रहा था जब टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर पहुंची थी तो सबको लग रहा था जो मुकाबला यानी सीरीज जो है वो क्लीन स्वीप होगा, तीनों का तीनों मुकाबला जो टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी, लेकिन हो गया है कुछ उल्टा। आल प्रेमदास स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है जहां टीम इंडिया का स्टेट्स काफी अच्छा है, जहां टीम इंडिया ने 375 रन 375 रन हाईएस्ट बनाए हैं, उस मुकाबले उस पिच पे जो है वो टीम इंडिया के प्लेयर जो है वो रन नहीं बना पा रहे हैं। टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 रही है आज तीसरे ओडीआई में तो चेंजेस होगा, लेकिन पहले में रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल थे, कोहली थे, श्रेयस अय्यर थे, राहुल थे, शिवम दुबे थे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये प्लेइंग 11 रही है पहले ओडीआई मुकाबले के लिए और दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए। लेकिन तीसरे ओडीआई मुकाबले में आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, बेंच पे हैं खलील अहमद, रियान पराग, हर्षित राणा, तीन चार प्लेयर जो हैं वो बेंच पे हैं, और साथ में ऋषभ पंत भी बेंच पे हैं, चार प्लेयर बेंच पे हैं, वहीं ना केएल राहुल जो हैं केएल राहुल भी नहीं चल रहे हैं, और साथ में शिवम दुबे भी नहीं चल रहे हैं, तो दो सबसे पहले बदलाव होगा कि ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा केएल राहुल की जगह, वहीं साथ में रियान पराग को मौका दिया जाएगा, रियान पराग आएंगे टीम में वापस, रियान पराग को मौका दिया जाएगा, और रियान पराग को शिवम दुबे की जगह मौका दिया जाएगा, साथ में अर्शदीप सिंह की जगह खलील अहमद को मौका मिल सकता है, या फिर मोहम्मद सिराज की जगह खलील अहमद को मौका मिल सकता है। ये सारे जो बदलाव हैं वो टीम इंडिया में तीसरे ओडीआई मुकाबले में देखने को मिलेगा। तीसरा ओडीआई मुकाबला जो है वो 7 अगस्त को 2:30 बजे खेला जाएगा प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, जहां पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया, जहां दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया, वहीं तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि तीन ओडीआई मुकाबला का सीरीज है जिसमें से दो मुकाबला हो चुका है, और दो मुकाबले में रोहित शर्मा के पक्ष में टॉस नहीं आया है, दोनों बार टॉस जीत करके श्रीलंका की टीम ने बल्लेबाजी करी है, एक बार टीम इंडिया ने, एक बार तो टीम इंडिया ड्रॉ करा लिया है टीम इंडिया ने, लेकिन वहीं दूसरे बार जो मुकाबला होगा, यानी पहला मुकाबला टाई हुआ था, दूसरा मुकाबला टीम इंडिया जीत गई, तीसरे मुकाबले में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक समय जहां लग रहा था टीम इंडिया क्लीन स्वीप कर देगी, तीनों के तीनों मुकाबले जीत लेगी, वहां रोहित शर्मा का तो बल्ला चल रहा है, लेकिन रोहित शर्मा के बाद और किसी का बल्ला चल नहीं रहा है, विराट कोहली का भी बल्ला नहीं चल रहा है। पहला जो मुकाबला था, पहला मुकाबला टीम इंडिया आसानी से जीत सकती थी, बहुत सारे बॉल बचे थे और एक रन चाहिए थे, और वहाँ पे क्या हुआ कि अर्शदीप सिंह बैटिंग कर रहे थे, अर्शदीप सिंह अगर सिंगल लेके चाहते कि टीम इंडिया को जीत दिला दें तो जीत दिला सकते थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने सोचा कि मैं सिक्सेस लगा देता हूं, और वहां जो है LBW हो गए अर्शदीप सिंह, तो पहला जो मुकाबला वो बिल्कुल क्लोज में टीम इंडिया हारी है, लेकिन दूसरा मुकाबला जो है श्रीलंका की टीम ने क्लोज पहुंचने नहीं दिया और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गेंदबाजी करी श्रीलंका की टीम ने, लेकिन वहीं जो तीसरा ओडीआई मुकाबला है, तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारत जो है वो उलटफेर करने को नजर कर सकता है, और वहीं कुलदीप यादव भी एज अ बॉलर हैं, तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा टीम इंडिया की तीसरे ओडीआई प्लेइंग 11 में से। आप लोग जरूर कमेंट कर बताएं कि आप लोग के हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या हो सकती है, जो स्क्वाड है उस हिसाब से। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर के।